हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु दीप्ति आपन मानको वेलकम करछु मु यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग बाय दीप्ति। तो फ्रेंड्स आज आमे बनेबा बरहमपुर स्पेशल आलू आ गुगुनी रो चाट काहे कि ना वर्षा दिन आसी गलानी गरमा गरम आ चटपटा चाट खाइबार मजा गोटे अलगा थाए। तो फ्रेंड्स मु आज आपन मानको बहुत कम टाइम रे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स आ बहुत इजी वे रे आपन मानको देखेबी। चलो तो स्टार्ट करबा। देखो तो एठी मु गोटे कप रे बड़ कप रे मटर नहीं छी जोटा की हमर बाटुला चणा कहती ताकू मु भलो भाबरे सिझै नै छी लूणा पकई के 3 रो 4 टु विसिल दी सिझै नै छी। तापर एठी दुईटी सिझा आलू नै छी। सिझा आलू को हम टिके भलो भाबरे बे चकट नेबा और टिके छोटे छोटे जेमति की खंड रहइबो एमिति ही चकटिबा दरकार। तापर मु एठी गैस रे कढ़ई बसै नै छी। कढ़ई गरम हेला पर 2 स्पून तेल पकई नौ छी। एबे तेल गरम हे आसलानी गोटे छोटो स्पून जीरा पकई नौ छी। जीरा भी हमर फ्राई ही आसलानी। तापर गोटे मीडियम साइज प्याज को एमती छोटे छोटे काटि नै थिले ताकू भी मु ऐड करि नौ छी। एबे आमे प्याज को टिके भलो भाबरे फ्राई करि नबा। आमे ताकू टिके गोल्डन ब्राउन हबा जाय फ्राई करबा। देखो तो गोल्डन ब्राउन हो जाए मुझे एवं गोटे बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट पकई नौ छी। ताकू भी आमे टिके भलो भाबरे फ्राई करि नबा जेमती कि अदा रसुण कंचा स्मेलटा पड़ेब। देखो एबे आमर प्रॉपर्ली फ्राई आसलानी। तापर मुझे गोटे बड़ साइज टमाटो को छोटे छोटे काटि नहीं ऐड करापर स्वाद अनुसार लुण पकई नबा। तापर हाफ स्पून ये मुझे हलदी पाउडर पकई नौ छी। हाफ स्पून ये मुझे लंका पाउडर पकई नौ छी। बर्तमान आपको आम टे भल भाव मान मिक्स कर नबा। देखो ये मुझे 3 स्पून पकई नहीं टमाटो सॉस। तापर मेन इंग्रेडिएंट्स होची फ्रेंड्स एटा हमर तेंतुली रो मंड जोटा कि तेंतुली रस कहंती ताकू मु एबे 2 रु 3 स्पून ही पकई नौ छी। काहेकि ना एटा पकेबला द्वारा ही हमर जो चाट स्पेशल चाट रो मजाटा आसी थाए। काहेकि ना बरहमपुर चाट रे एई इंग्रेडिएंट्स आ तेंतुली पकेबा द्वारा तार टेस्टटा डबल हो जाय थाए। तो एटा को बिल्कुल भी स्किप करिवेनी। देखि पारथिबे बहुत बढ़िया कलर आसीलानी। तापर जेहेतु आमे भी माने मार्केट भली बनेबा तो आमको टिके माने कलर आसीबा दरकार से मुझे फूड कलर ऐड करी छी। मु एठी 2 पिंच ही ऐड करी छी। देखि पारथिबे एबे बहुत बढ़िया कलर आसी जाई छी। मु एथरे एबे हाफ कप पानी नै नौ छी। आमे एबे पानी पके के टिके भलो भाबरे कसि नबा। तो फ्रेंड्स देखो ये फुटी आसलानी। मुझे कवर करके 2 रु 3 मिनट पर्यंत कुक हाबाक छाड़ दूची। एबे 3 मिनट हो जाए। देखो आमर मसलाटी बहुत बढ़िया कलर दूची और बहुत बढ़िया भाव में कसी भी हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिपे आपण मैंने कलर रु ही देखिपे बहुत बढ़िया हो पूरा टेम्पटिंग लगुच। यहाँ गोटे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार रेसीपी फ्रेंड्स। तो तापर मुझे रखि मटर आउ सीझा आलू को पकई नौ छी। तापर मुझे भल भाव मिक्स करे। तो फ्रेंड्स देखो एमती भल भाव मिक्स करी नौ छी। एबे देखी पारुथिबे बहुत बढ़िया कलर आसी जाए छी पूरा मार्केट भली। तो फ्रेंड्स तापर मुझे 2 कप पानी दे दो छी। एबे एथिरे मु हाफ स्पून आमर ब्लैक सॉल्ट जोड़ा कि कड़ा लुण पकई नहीं कहीं ना द्वारा स्मेलटा बहुत बढ़िया आसे और टेस्ट आहरी अधिक बढ़ जाए। तापर हाफ स्पून ये चाट मसला पकई नौ छी। तापर ये मु गोटे स्पून गरम मसला पाउडर पकई नौ छी। एबे आमे टिके ताकु भल भाव मिक्स करि नबा। तापर मु एठी एबे कवर करि नौ छी। एबे आमे 5 रु 7 मिनट पर्यंत कुक हाबाक छाड़ दबा। तो फ्रेंड्स एबे मोर 7 मिनट हो जाए और मुझे कवर खोली नौ छी। तो देखो तो बहुत बढ़िया भाव में आमर मानी फुटी गला और बहुत बढ़िया भी बनी जाए। तो फ्रेंड्स आमर अभी प्रॉपर्ली बनी गला। देखो एतिक ही आमर मानी कंसिस्टेंसीटा रहा दरकार। एबे मो गैस रो फ्लेम को ऑफ करी नौ छी। तो फ्रेंड्स मुझे एमती गोटे प्लेट नहीं जाए तरकारी को काढ़ी नौ छी। देखो तरकारी को एबे काढ़ी नहीं छी। तापर मुटिक रखि काकुड़ी को पकई नहीं छी। देखि पारथिबे मु बहुत सरु सरु करके काकुड़ी गुड़ी को काटि नहीं छी ताकु पकई नहीं छी। तापर आम ए गोटे पापड़ को पकई नबा। आपण पापड़ जगह जो पापुड़ी भी आसे ताकु भी पकई पारे। तापर मु गाजर को कोरी नहीं थी ताकु भी पकई नौ छी। तापर छोटे छोटे काटिकी रखि पियाज को पकई नबा। गाजर पकेबा द्वारा टेस्टा बहुत बढ़िया आसे। तापर कंचा लंका को मुझे छोटे छोटे काटिक रखी थी ताकु भी पकई नहीं छी। कंचा लंका मानी पकेले ना तार टेस्ट आहरी बढ़िया लगी थाए। तापर आम सेव को पकई नबा। तापर काटिक रखि धनिया पत्र को मुझे पकई नौ छी। तापर मुझे 2 स्पून दही पकई नौ छी। तापर ये मुझे ग्रीन चटनी भी पकई नौ छी।
ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳିର ମାନେ ଯେଉଁଟା ମିଠା ଚଟଣିଟା ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଗୁଗୁନି ଆଉ ଆଳୁର ଚାଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ।